नमस्कार टुडेज स्टेटमेंट में आपका स्वागत है मैं हूं शंकर विश्वकर्मा आज पहली बार भारत रत्न को लेकर के देश के एक योगी ने सवाल उठाया है वो सवाल उनका वाजिब है या नहीं है इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री यतेंद्र सिंह यादव साहब जो आप टुडेज स्टेटमेंट के संपादक भी हैं संपादक जी भारत रत्न को लेकर के रामदेव जी ने एक सवाल उठाया है क्या लगता है सवाल उनका कितना वाजिब है पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये सवाल इसको सवाल क्यों मान रहे हैं आप सवाल नहीं है सवाल उठेगा तो उस पर विवाद भी उठेगा इसलिए आप इसको सवाद सवाल की श्रेणी से दूर रखिए हाँ ये कहा जा सकता है कि एक संत ने एक योग गुरु ने एक इच्छा व्यक्त की है और भारत में सभी को अपनी बात को रखने का अपनी बात को कहने का अधिकार है तो ये उनकी एक इच्छा एक है पहले तो हम इसको बात को समाप्त कर देते हैं कि उन्होंने कोई देश की सरकार पर या देश के ऊपर किसी तरीके का कोई सवाल उठाया अब जो बात उन्होंने कही है उस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी से ले अब तक देश का ये जो सर्वोच्च सम्मान है वो लगभग अड़तालीस लोगों को दिया जा चुका है इन 48 लोगों में आप देखेंगे इन 48 लोगों की अगर जीवन चरित्र पर अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो तकरीबन 80 फीसदी से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र से आते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ की धरती यहां की धरा साधु संन्यासियों से भरी हुई है और एक क्षेत्र का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व राजनीति क्षेत्र का हो सकता है कि बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया है वो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अन्य वर्गों के अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरीके से अभी तक नहीं आ पाए हैं तो उन्होंने ऐसी कोई बात कही है क्या लगता है मतलब अभी तक साधु संतों को या सन्यासियों को ये सम्मा, सम्मान नहीं मिला है इसके पीछे कहीं कारण ये तो नहीं कि जो कमेटी है भारत तंत्र की उस कमेटी ने जो एक वर्ग बनाया है एक क्राइटेरिया बनाया है उसमें साधु संत और सन्यासी आते ही ना हो इस वजह से जो है ये लोग वंचित रह गए देखिए आप एक देखिए कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा सम्मान है नोबल प्राइज उसमें भी शांति की एक कैटेगरी है नॉबल पीस प्राइज भी दुनिया में दिया जाता रहा तो क्या ये मान लिया जाए जो है आप ये कहना चाहते हैं कि जो है जो, जो फील्ड बनाए गए हैं जो कमेटी बनाई गई है या जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ शांति में भी कोई आ, काम कर रहा है और उसको इस क्षेत्र का पुरस्कार दिया जा सके भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अपनी सभ्यता संस्कृति और संस्कार के नाम से जाना जाता है हमारी पहचान ही विश्व में जो है महान संस्कृति जो कहलाते हैं ये पहचान ही हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से हमें मिली है यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही है यहाँ पर आश्रमों की परंपरा रही है और हमारे इस ये, ये कहाँ से मिली हमको ये परंपरा? हमारे ऋषियों ने हमारे मुनियों ने साधुओं ने संतों ने विश्व में शांति का संदेश दिया है भारत अपने आप में जो है एक बहुत शांत देश कहलाता है और ऐसे तमाम संत हैं इस देश में जो अब भी शांति के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा अतुलनीय कार्य कर रहे हैं अच्छा चलिए मैं मान लेता हूँ कि बाबा रामदेव का जो सवाल है वाजिब है तो क्या आप बताइए आपने क्या देखा कि भी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं इन इस वर्ग में साधु संत या सन्यासी जो हकदार हैं इस पुरस्कार को पाने के लिए पहले तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है जिसको किसी भी श्रेणी में किसी भी क्षेत्र में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए था ये मेरी व्यक्तिगत राय है राष्ट्र के हित में राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति उल्लेखनीय और अतुलनीय कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए ऐसा कोई कार्य जो अपने आप में बेमिसाल हो और किसी एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित के उस बेमिसाल कार्य में लगा दिया तो क्षेत्र कहाँ से आ गया नहीं तो मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने अगर सवाल उठाया है तो उनको लगता होगा कि इस क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनूठा कार्य किया है और वो भी हकदार हो सकते हैं इस पुरस्कार को पाने के लिए तो ऐसे कुछ लोग हैं देखिए अगर बाबा रामदेव ने संतों को लेकर के जो सवाल उठाया है तो मैं संतों के बारे में ही अगर आपको बताऊं पहले मेरा बाबा रामदेव की बात किए देता हूं कि बाबा रामदेव ने पिछले काफी वर्षों से योग आसन के क्षेत्र में इतना कार्य किया है इतना कार्य किया है प्रधानमंत्री तक को उन्होंने योग कराया दिल्ली में एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करीब पौने नौ करोड़ लोग प्रतिदिन योग यो, आसन योगा यो, योगाभ्यास करते हैं और उसी सर्वे में ये बात भी कही गई है कि 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं योगासन करते करते उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त सीधे तौर पर ये बात कही जा सकती है कि बाबा रामदेव ने देश की जनता को एक ऐसी चीज़ दी जहाँ पर वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और दवा दारू में जो उनका पैसा खर्च होता था वो भी उनका बच रहा है दूसरा मैंने देखा जो वैसे बहुत ज़्यादा मुझे बाबा रामदेव के जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आती है जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी थी जो है पूरा देश हिल गया था इसको लेकर के जो है तो तत्काल बाबा रामदेव ने नारायण कोटी जो उसके केदारनाथ जी के नीचे हैं नारायण कोटी में एक कैंप शुरू किया उस कैंप में बाबा रामदेव ने ऐसे सैकड़ों बच्चों को जितने भी जो बच्चे ऐसे जिनके माता पिता इस भयानक त्रासदी में हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर के चले गए थे उनको सहारा दिया उनको परवरिश करने का ज़िम्मा उठाया उनको पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाया और तब से अब तक वो कैंप काम करता चला आ रहा है तो ये सवाल अकेला बाबा रामदेव का नहीं है देश में मैंने पहले भी कहा कि देश की धरा ऐसे साधु संतों फ़कीरों सन्यासियों से भरी पड़ी है बहुत ज़्यादा तो इस विषय में कह पाने के लिए समय नहीं है लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा आप हरिद्वार तक में ही अगर आप देखें तो हरिद्वार में एक समय था जब शांति कुंज की स्थापना हुई और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने गायत्री जो गायत्री मंत्र है जो हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है गायत्री को भारतवर्ष के हिंदुओं में घर घर तक पहुंचाया गायत्री एक शक्ति है एक पुंज है सब तक पहुंचाया थोड़ा और इधर को आते हैं तो मुजफ्फरनगर के पास एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं कल्याण देव कल्याण देव का नाम जो है बहुत बड़ा नाम है शिक्षा के जगत में स्वास्थ्य के जगत में कल्याण देव ने इतने कार्य किए हैं जो अतुलनीय कार्य हैं उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में लाखों लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और लाखों लोग शिक्षा ग्रहण आगे करते रहेंगे तो उनका भी योगदान बड़ा अतुलनीय था दक्षिण भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो दक्षिण भारत में माँ अमृता नंदमई एक बड़ा नाम है उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के जगत में स्वास्थ्य के जगत में लोगों की सेवा शुश्रूषा के कार्य में पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े साधु संत भी उस दरबार में जाकर के झुकते हैं वो इतनी पवित्र आत्मा है उन्होंने भी तुलनीय कार्य किया कर्नाटक में अभी जो है एक महान संत शिव कुमार जी शिव कुमार जी के भी जो है अतुलनीय कार्य हैं तो सरकार को ये चाहिए 48 लोगों में से देखिए इनके अलावा अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ तो एक बहुत ही महान संत का नाम लेता हूँ स्वामी विवेकानंद भारत गुलाम था उस समय जाकर के भारत के इस महान संत ने तो 1893 सौ तिरानवे ग्यारह सितंबर एग्जैक्टली शायद ये डेट होगी मुझे हाँ मुझे याद नहीं इस वक्त लेकिन जितना मुझे याद आता है ग्यारह सितंबर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में हुआ था भारत के इस महान संत ने भारत की ध्वज पताका को जिस गौरव के साथ उस सम्मेलन में फहराया यह अतुलनीय कार्य था एक ऐसा कार्य था जिसका आज तक कोई जवाब नहीं है मैं नज़दीक में आपके राजस्थान है राजस्थान में एक नारायण सेवा संस्थान वहाँ पर वो संस्थान पिछले लंबे समय तक समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बड़ा अतुलनीय कार्य कर रहा है असाध्य रोगों का वहाँ पर इलाज किया जाता है जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं गरीब हैं वो सब लोग जाकर के वहाँ अपना इलाज कराते हैं और वहाँ एक स्वामी जी हैं जो उन सबकी देखभाल करते हैं मुझे उनका नाम तो इस वक्त याद नहीं आ रहा इसी तरीके से एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँगा कि गंगा माँ गंगा जो भारत की जीवनदायिनी है भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में गंगा बसती है गंगा को साफ करने के लिए वर्तमान सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए इससे पूर्व सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती रही सफाई का काम चलता रहा लेकिन एक तपस्वी जीडी अग्रवाल शायद उनकी स्वच्छता को लेकर के पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने आमरण अनशन किया निस्वार्थ भाव से कि जनता का गंगा का जल स्वच्छ रहे आम लोगों तक स्वच्छ जल तक पहुँचे और वो संत आमरण अनसन लंबे समय तक आमरण अरसन उसका चला उनका चला और उन्होंने उस अनसन के दौरान ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया ये बड़ा बलिदान था अब ये किस श्रेणी में आएगा ये तो सरकार तय करे मैं एक और बड़े संत हैं मुरारी बापू जी मुरारी बापू जी की अगर बात करता हूँ तो अभी उन्होंने एक मुरारी बापू जी काफ़ी लंबे समय से अपने कथा के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से देश में शांति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने एक ऐसा कार्य शुरू किया है गणिकाओं का गणिकाएं वो होती हैं जिन्हें आम समाज में मुख्य धारा से अलग जीवन यापन करने वाली होती हैं मुख्य धारा में उनका आना जाना नहीं होता है मुरारी बापू जी ने ये एक बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरीके से इन गणिकाओं को मुख्य धारा में वापस लाया जाए और इसके लिए वो समय समय पर वहाँ पर जाते हैं उनके साथ संवाद करते हैं प्रवचन देते हैं उनकी आत्मचिंतन आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे संत हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन जंगल लगाने में जो है निकाल दिया लाखों की तादाद में पेड़ लगा दिए और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे सरकार से नहीं मांग रहे हैं। जो है ना जो कोई श्रेष्ठ सम्मान मांग रहे हैं ना भारत गौरव का सम्मान मांग रहे हैं वो आपके सम्मान समारोह में अपेक्षा भी कुछ नहीं रखते मेरे यादव साहब एक आखिरी सवाल है कि क्या अब ये मान लेना चाहिए कि बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया है सरकार अगली बार से देखिए बाबा मुझे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव ने जो संतों को लेकर के या इस तरीके का जो कार्य करने वाले लोग हैं संत हैं सन्यासी हैं उनको लेकर के जो बात कही है वो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष के तमाम बड़े संत जो अतुलनीय कार्य कर रहे हैं उनकी बात को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है राष्ट्र के सामने और ये एक विचारणीय है प्रश्न है भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से बात की है और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने छब्बीस जनवरी को बात कही थी मैं आज इस बात को आपके सामने कह रहा हूं इस दरमियान में मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उन लोगों का भी कहना यह है कि भाई बड़ा विचारणीय प्रश्न है जो है क्या सब कुछ राजनीति के क्षेत्र में चला जाएगा 80 प्रतिशत बहुत बड़ी बड़ा भाग होता है जो राजनीति के क्षेत्र में चला गया है जिसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पाने के लिए जो है तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव का जो ये सवाल है वो वाजिब है और आम जनता को भी जो है इसका समर्थन करना चाहिए हमारे ऋषि मुनि हमें शांति देते आए हैं और हमें शांति का संदेश देते रहे तो चलिए अब जहाँ तक बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया है भारत रत्न को लेकर के हमारे संपादक जी का भी यही ख्याल है यही विचार है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इस पुरस्कार को लेकर के विचार होगी बैठक कमेटी की बैठक होगी तो इस पर भी विचार किया जाएगा हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार